पाकिस्तान के आम चुनाव में इमरान खान बड़ी जीत की ओर अग्रसर। पाक नेटिजन का दावा, इमरान की पार्टी समर्थित निर्दलीय 154 सीटों पर आ गए। खैबर पख्तूनख्वा से पहला परिणाम घोषित। प्रांतीय विधानसभा की दो सीटों पर पीटीआई समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार विजयी घोषित। पाकिस्तान चुनाव आयोग का रिटर्निंग अफसरों को निर्देश, मतगणना के आधे घंटे के अंदर परिणाम घोषित करें नहीं तो होगी कार्रवाई। मुश्किल में पीएलएमएन प्रमुख और पूर्व पीएम नवाज शरीफ। लाहौर और मानसेहरा दोनों सीट पर मिल रही है कड़ी टक्कर। आम चुनाव में मिल रही कड़ी टक्कर के बाद नवाज शरीफ ने छोड़ा पार्टी मुख्यालय, कार्यकर्ताओं को भी नहीं किया संबोधित। शुरुआती रुझान के बाद इमरान खान के समर्थकों में खुशी की लहर। फैसलाबाद में सड़कों पर उतरे पीटीआई के समर्थक। पाकिस्तान चुनाव पर अमेरिकी विदेश विभाग ने जताई चिंता, कहा हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर चिंतित हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में चुनाव का जबरदस्त विरोध, कोंशकलात में प्रदर्शनकारियों ने जलाई मतपेटियां। पाकिस्तान के कोच जिले के तकरान आबाद में एक बूथ पर जमकर विरोध, उम्मीदवार ने बंदूकधारियों ने हवाई फायरिंग। पाकिस्तान चुनाव पर यूएन प्रमुख की नजर, महासचिव ने सभी वर्गों से माहौल शांत बनाए रखने की अपील की। लोकसभा चुनाव में आज श्वेत पत्र पर होगी चर्चा, कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में पेश किया था यूपीए के कार्यकाल का श्वेत पत्र। यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन पर पेश श्वेत पत्र, दोपहर 12 बजे शुरू होगी चर्चा। चर्चा के लिए 8 घंटे का समय किया गया था। श्वेत पत्र पर चर्चा के बाद निर्मला सीतारमण सदन में देंगी जवाब। श्वेत पत्र पर लोकसभा में नियम 342 के तहत होगी चर्चा। बीजेपी की तरफ से निशिकांत दुबे श्वेत पत्र पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। सुनीता दुग्गल, तेजस्वी सूर्या, जयंत सिन्हा भी रखेंगे अपनी बात। श्वेत पत्र पर कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना, कहा जनता को गुमराह करने के लिए लाया गया श्वेत पत्र, मैदान जंग में होगा फैसला। श्वेत पत्र में यूपीए सरकार पर 10 साल में अर्थव्यवस्था को बर्बाद और देश की आर्थिक नींव को कमजोर करने का लगाया गया है आरोप। हल्द्वानी में हिंसा के बाद लगाया गया कर्फ्यू, दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश। बनभूलपुरा में भीड़ ने किया था पुलिस पर हमला। हल्द्वानी में हिंसा के बाद पैरामिलिट्री फोर्स की 4 और पीएससी की 6 कंपनियां की गई तैनात। नजदीकी जिलों में फोर्स को हल्द्वानी बुलाया गया। हल्द्वानी में हालात बिगड़ने के बाद इंटरनेट सेवाएं बंद, जुमे की नमाज को देखते हुए पूरे उत्तराखंड में हाई अलर्ट। बनभूलपुरा इलाके में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, दंगाइयों पर यूएपीए के तहत होगी कार्रवाई। मौके पर कुछ लोगों को किया गया गिरफ्तार। हल्द्वानी हिंसा पर सीएम ने मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ की आपात बैठक, दंगाइयों से सख्ती से निपटने के दिए निर्देश। यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर आरएलडी और बीजेपी में सीट बंटवारा फाइनल। आरएलडी को लोकसभा की 2 और 1 राज्यसभा सीट मिलेगी। बरेली में आज आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा करेंगे जेल भरो आंदोलन की शुरुआत। आंदोलन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मुंबई में शिवसेना यूबीटी नेता अभिषेक घोसालकर की गोली मारकर हत्या। फेसबुक लाइव के दौरान आरोपी मॉरिस ने अभिषेक पर की अंधाधुंध फायरिंग। अभिषेक घोसालकर की हत्या के बाद आरोपी मॉरिस ने भी खुद को गोली मार दी। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की।